इस धरती पे मैंने जन्म लिया हूँ, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, मैं भी जहाँ की रीत श्री वी के बंसल जी और मिस शिवा मैनी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच में हमारी आरसीबी के रिस्पेक्टेड प्रधान जी और दूसरे हमारे पदाधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर। मैं अपने रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट साहब से सरवा जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं श्री वी के बंसल जी, उनका संविधान की प्रीएम्बल देके इनका सम्मान करें। जोरदार तालियों से डिस्ट्रिक्ट जज साहब का स्वागत करें। थैंक यू सर। हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य वक्ता, हमारे बीच से रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट पहुंचे भाई राहुल वर्मा जी को मैं इनवाइट करूंगा कि वो आज अपने विचार रखें। आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे सीनियर एडवोकेट आरपी धानिया जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी डिस्ट्रिक्ट जज साहिबा सीमा मैनी जी का वो संविधान की प्रीएम्बल देके स्वागत करें। डीजे साहब का स्वागत करें। एडीजे साहब का स्वागत करें। संविधान की प्रीएम्बल देके हमारे आज के मुख्य वक्ता का स्वागत करें। सालों के बाद अपने लोगों के सामने बोलना ये बड़ा मेरे लिए बड़ा कठिन सा लग रहा है, लेकिन आई ट्राई टू स्पीक। और मुझे नहीं पता मेरी जल्दी अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन वन पर्टिकुलर फील्ड। आई वॉज रीडिंग उपेंद्र बख्शी, प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी, ही वॉज ट्राइंग टू डिफाइन अम्बेडकर। ही सेड इन हिज बुक कि देयर आर 7 अम्बेडकर इन 1 अम्बेडकर। But since last 7 years, I am trying to read Ambedkar very minutely, and I am trying to find out, I may be right or wrong, but I found there are 14 Ambedkars in Ambedkar. हम चाहते हैं उसके बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे, बिकॉज हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट जजेस एडीजे सुनील चौधरी सर, वीरेंद्र सर, मनीष जैन साहब, अकॉर्ड मैम, बिकॉज वो अपना जुडिशियल टाइम काट करके यहाँ आए हैं, तो मुझे थोड़ा सा रखना पड़ेगा कि मुझे अपना टाइम जो है वो कम यहाँ पर लूँ। अभी इस प्रोग्राम में प्रीएम्बल गिफ्ट किया गया है। आई विल ट्राई टू डिफाइन, बिकॉज एवरीबॉडी नोज अबाउट अम्बेडकर। ऐसा कुछ मैं नया नहीं कहने जा रहा जो आपने कभी सुना नहीं होगा डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति को सेलिब्रेट किया जाता है तो डॉक्टर अम्बेडकर। तो हर व्यक्ति कोशिश करता है कि वो अपने अपने स्तर पर डॉक्टर अम्बेडकर का बर्थ सेलिब्रेट करे। बट देयर इज अ क्वेश्चन इन माय माइंड कि डॉक्टर अम्बेडकर को आप उनकी वर्शिप करना चाहते हो, उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हो। मुझे लगता है कि जिस फील्ड में है, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, वेर वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू अम्बेडकर, बिकॉज अम्बेडकर साहब ने एक जगह लिखा क्योंकि उनकी लाइफ टाइम में ही लोगों ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना शुरू किया था। सो दे आर क्रिटिसाइज सर्टेन पीपल, वी डोंट सेलिब्रेट माई बर्थडे, और खासकर मूर्ति लगा के तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब आप मेरे फॉलोअर बन जाओगे और मुझे मेरी वर्शिप करोगे, वो वर्शिप करना इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक टेम्पल। एंड डॉक्टर अम्बेडकर वॉज डीपली इन फेवर ऑफ साइंटिफिक टेम्पल।
So I do believe that we should, being a citizen of this nation, not being a, because belong to a particular caste, community, creed, etc., etc. Being a citizen of this nation, we have to be respected of the Ambedkar. Only then you will understand Ambedkar. एक चश्मे से देखना उनका उनके चरित्र के साथ उनका इतना सा बेमानी है. You want to understand Ambedkar, you see the role while he is drafting the Constitution of India. He was chairman of the drafting committee. But in the Constitutional Assembly, on the last day when he gave the lecture, he said one thing. Everybody is trying to give me the benefit. और सभी मुझे कह रहे हैं कि मैंने बनाया है. But he said कि every member of the Constitutional Assembly has given their assent to pass this constitution. And apart from it, Mr. B.N. Rao, who was the legal advisor of the Constitutional Assembly, he has given the equal weightage to it. But we have to understand, we the people, because it is very easy. मैंने देखा कई बार कि people के किसे समझते हैं कि copy paste है, copy paste है. वो लोग भी कहते हैं copy paste है, जो अपनी petition draft कराते हैं स्टेनो से. अच्छा अच्छा अच्छा. और इसको लेके कॉपी पे इसको लेके जस्टिस ढींगरा का मतलब जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट में. वी कैन गो टू बाय इट. इफ यू सी द यूनिवर्सल विजन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर और ग्लोबलाइज्ड विजन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, यू हैव टू रीड आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इज सेड दिस आर्टिकल 14 इज अवेलेबल फॉर एवरी पर्सन. इज नॉट कन्फाइंड टू ऑनली सिटीजन वर्ल्ड. The, all the fundamental rights provided in part 3 of the constitution is for the citizen of India. But specifically article 14 and article 21 is inside the word person. Doesn't matter which country you belong. If you are trial in this country, you have to get equal opportunity. Hum aksar ye baat karte hain ki he was the first law minister of this nation. It is correct. But apart from it, he was a member of Legislative Assembly. He was a member of Legislative Council, and he was Minister of Labour pre-independence. And कि जब हम बात करते हैं संविधान की, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया. There is one renowned jurist, Sir Ivor Jenning. Sir Ivor Jenning in 1951 में मद्रास के एक यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देते हुए कहा, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली ए डॉक्यूमेंट बिलोंग्स टू लॉयर्स. आई विल टेल यू, देर आर मोर देन 300 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एंड नाउ आउट ऑफ 384 मेंबर्स देर आर 250 लॉयर्स हुआ देयर. देर आर 250 लॉयर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हु पार्टिसिपेटेड इन द डिस्कशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. And Ivor Jenning said in his meeting, okay, this constitution won't work. And after some time, this Ivor Jenning was appointed as a chairman of drafting committee of Sri Lanka. He has drafted the constitution of Sri Lanka, jo sirf 15 saal tak chala. Now we have the constitution history of 75 years, still our constitution is working. Because the constitution of this nation is a living document, and this living document is interpreted by the apex court of this nation time to time, be it article 14, be it article 21. There was one interview took place in 1956 before his death. Mr. Dr. Mulkraj Anand took his evidence or his interview. He asked certain question to Dr. Ambedkar. He asked, आप कुछ ऐसी चीजें बताइए जो आप चाहते थे जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में हो, क्या आप इस कॉन्स्टिट्यूशन से खुश हैं? Dr. Ambedkar replied, and this interview is available in the archive of Times of India in 1956. Because whatever I am saying with a quotation. He said, I am not too much happy with the constitution, because which I wanted to have in this constitution, it is not there. What were the issues? He said, I wanted
राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई द मेंबर्स. आई वॉन्टेड राइट टू एम्प्लॉयमेंट इज अ फंडामेंटल राइट बट इट वॉज नॉट देयर, इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड. आई वॉन्टेड राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट वॉज नॉट देयर. एंड दैट वॉज द विजन ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर इन 1950s. He has given thought to the fundamental right to be right to education be a fundamental right, but it was realized after 60 years of independence by the parliament, who has enacted Article 21A in the constitution after Mohini Jain case by the Supreme Court of India. In Mohini Jain case, Supreme Court said this right to education is a fundamental right and is related to Article 21 of the constitution. Therefore, the legislature has to think. You have to give this right to education as a fundamental right. So finally, this vision of Dr. Ambedkar was enshrined in the Constitution of India as an Article 21 in the Constitution. And the same things happened with the right to, of property of women. There is a Hindu Succession Act. In 2004, it was amended as far as Section 6 of HSA is concerned. Dr. Ambedkar was, he was a champion of women's rights as well. You cannot confine Dr. Ambedkar in one particular chasma. And it is a dishonesty with Dr. Ambedkar's character if you see him in one particular chasma. You have to understand, you have to see what kind of character he was having. He said you have to give equal rights. Subscribe karein aur bell icon ko click karein.